नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता शिकोहाबाद पहुंचे और इस दौरान ही 18 और 19 मार्च को ही जनपद फतेहपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने को लेकर समाज के लोगों में से चर्चा की है। और वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करना आसान है क्या, और स्वामी प्रसाद मौर्य किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ पर टिप्पणी करने का साहस जुटा सकते हैं। क्या उद्देश्य? अखिल भारतीय वैश्विकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 18 व 19 मार्च को फतेहपुर में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल भी बनाया गया है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही इस सम्मेलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगामी समय में निकाय के होने वाले चुनाव पर वह समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी स्थापित हो, इसका प्रयास इस सम्मेलन में रणनीति के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि विगत विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम अखिल भारतीय वैश्विकता परिषद ने किया और उसी का परिणाम है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में वह समाज प्रभावी संख्या में रहता है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अपना दल के ही बागी नेता हेमंत चौधरी ने सिद्धार्थनगर जिले से नई पार्टी के गठन का ऐलान किया है और मंगलवार को अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का गठन करने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने इस मौके पर आए अपने सैकड़ों समर्थकों को संबोधित किया। और हेमंत चौधरी के नई पार्टी के गठन के बाद ही फिलहाल अपना दल एस के करीब सारे ही पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर इनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इससे मैं आपको बता दें कि इसमें ज्यादातर लोगों को ही राष्ट्रीय जनपद स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बाद में मीडिया से बात करते हुए नवगठित राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने कहा है कि उन्होंने अपना दल से ही बगावत कर नई पार्टी अनुप्रिया और आशीष पटेल द्वारा कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की वजह से बनाई है। और उन्होंने अपना दल एस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पर गंभीर आरोप लगाते वे कहा है कि अनुप्रिया पटेल हमेशा से ही कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार करती है और अब उन्होंने बस एक मशीन की तरह इस्तेमाल करना कर छोड़ देती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव का वक्त आता है तो कार्यकर्ताओं की निष्ठा को दरकिनार कर नए लोगों को टिकट बेच दिया जाता है जो कार्यकर्ताओं की मेहनत का फायदा उठाकर चुनाव जीत जाते हैं। आज जो पार्टी का गठन हुआ है उसका नाम राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी है। लंबे अरसे से हम लोग पूरे प्रदेश में बैठक, खासकर अपना दल से इस्तीफा देने के बाद हर जिले में जो है हम लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद रणनीति बनी, पार्टी का गठन हुआ और आज उसकी घोषणा हम लोग बुद्ध की धरती से यहाँ से किया जो है। जिस आप अपना दल इसके फाउंडर मेंबर्स में से थे, काफ़ी एक्टिव थे आप, अच्छा पद भी आपका था, ऐसी क्या वजह पड़ गई कि आपको नई पार्टी का गठन करना पड़ा और आपको बगावत करनी पड़ी? देखिए, हर जगह युवा ठगा जाता है और वही हाल अपना दल में भी रहा। युवा वहां पर जाता है, अपनी जो एनर्जी होती है, हम लोग पूरे प्रदेश में चल करके सारा काम किए और उसके बाद रिजल्ट क्या रहा कि जब चुनाव आता है जो सीटें मिलती हैं उन सीटों को बेच दिया जाता है। 17 सीटें अपना दल को मिली, 17 में से 14 बाहरी लोगों को, जिनका पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, ऐसे लोगों को ला करके उन लोगों ने टिकट दे दिया। सुबह ज्वाइन किए, दोपहर में पैसा लिए, शाम को सिंबल मिल गया। आगरा की पुलिस ने अवैध गांजे के ही कारोबार पर छापेमारी कर कार्रवाई की है। दरअसल अवैध गांजा तस्करों से ही पुलिस ने करीब 1 क्विंटल और 85 किलो गांजे की खेप को पकड़ा है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग बताई जा रही है कि 12 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। अवैध कारोबार में शामिल लोग इस गांजे को ठिकाने लगाते और उससे पुलिस बता दे आपको कि धर दबोचा है उसे पहले ही और पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आगरा, 2 फिरोजाबाद के रहने वाले। पुलिस ने
अवैध नशीला पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है और इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 1 क्विंटल 85 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और उनके पास से 4 मोबाइल, 1 कार और 1182 रुपये बरामद हुए हैं। जो गांजा बरामद हुआ है उसका बाजार का मूल्य लगभग 12 लाख रुपये अनुमान किया जा रहा है। जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है शिव कुमार कोनिया उर्फ भूरा, ये फिरोजाबाद का रहने वाला है। मुदीर बंसल पुत्र महेश चंद्र बंसल, ये कमलानगर आगरा का रहने वाला है। सत्यवीर सिंह पुत्र महाराज सिंह, ये बरहन आगरा का रहने वाला है। पुष्पेंद्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, ये टुंडला फिरोजाबाद का रहने वाला है। ये लोग गिरोह बना के काम करते हैं और पूछताछ में तथ्य सामने आया है कि ये लोग जाते हैं उड़ीसा, वहाँ से गांजा लेके आते हैं। पुलिस जैसे हमेशा आपको मैंने बताया है कि हम लोग सप्लाई से लेकर कहाँ से सोर्स और सप्लाई दोनों जगहों पे अटैक करते हैं। मथुरा SSP शैलेश पांडे के अभियान पर ही 15,000 का इनामी साइबर अपराध करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। दरअसल गोवर्धन पुलिस ने ही इरफान नाम का व्यक्ति, जो कि BSc का छात्र था, जिसने जन सेवा केंद्र खोलकर लोगों से ठगी करने का काम करता है और 4 करोड़ रुपए का ही ट्रांजेक्शन भी किया था और इसके कब्जे से ही 9 माइक्रो ATM और मशीन, और इसके साथ ही बता दें आपको कि 11 पेटीएम मशीन, 4 ATM और 20 STFC की बैंक की पासबुक भी बरामद की गई है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उसमें से मुकदमे का एक वांछित अभियुक्त, जो कि 15,000 रुपये का इनामी था, जिसका नाम इरफान है, जो दौलतपुर गांव का रहने वाला है, इसको आज पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस पुलिस के द्वारा जब इसके घर की सर्च करी गई तो वहां से कई जो है POS मशीनें, QR कोड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लगभग 20 चेकबुक जो है बरामद हुई हैं। पुलिस के द्वारा जब इसमें इसके अकाउंट की एनालिसिस करी गई तो ये पाया गया कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट से हुआ है। ये पूर्व में जन सुविधा केंद्र चलाता था तथा ये बाद में साइबर अपराधियों के संपर्क में आ करके उनसे कमीशन ले करके उनका पैसा निकाल के दिया करता था। जालौन में जिला महिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। यहां मरीज और तीमारदार की देखभाल नहीं हो रही है। वहीं इस दौरान ही अस्पताल परिसर की जमीन पर नवजात शिशु को किशोरी लेकर बैठी नजर आई है और इस दौरान ही नवजात शिशु के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर डिस्चार्ज कार्ड और खान पीने की सुविधा न देने का भी आरोप लगाया है। एक तरफ 14 फरवरी को देश में वैलेंटाइन डे की धूम रहती है, पार्कों और तमाम घूमने वाले जगह पर वैलेंटाइन डे के इजहार करते प्रेमी और प्रेमिका देखे जाते हैं और ऐसे में धीरे धीरे हमारे बच्चे अपने सांस्कृतिक और इसके साथ ही संस्कार को भूलते जा रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ बच्चों का उनके संस्कृति और संस्कार से जोड़े रखने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर बच्चे अपने माता पिता की पूजा करते मातृ पितृ दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हुए नजर आए हैं और इस दौरान ही विद्यालय के प्रबंधन और प्रधानाचार्य, पूरी टीम और बच्चों ने मिलकर इस त्योहार को मनाया। आज के समाज में इस विद्यालय द्वारा ये उठाया गया कदम बहुत ही सराहनीय है। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल गए हैं। बड़ों का आदर संस्कार करना, लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं जबकि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है वही सच्ची श्रद्धा है ईश्वर के प्रति और इस संस्कार को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय के माध्यम से ये बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिससे हमें अपने मातृ पितृ की सेवा करने का हमारे हृदय में वो भाव उत्पन्न हो रहा है। अच्छा लगता है, इसी मतलब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और हमेशा इसको कायम रखना चाहिए। अच्छा, आज 14 फरवरी है, इस दिन ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है, आज वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। तो क्या लगता है अंग्रेजी कल्चर, जो इंग्लिश कल्चर है और हमारी भारत की संस्कृति, इसमें क्या लगता है जो हावी हो रहा है इंग्लिश कल्चर? जैसे कि वही वैलेंटाइन डे ही हावी हो रहा है। यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने माता पिता का जो है हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग छोटे हैं अभी, वो हमारा कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं, हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें हमेशा मतलब अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए।
हमें गलतियाँ कम करनी चाहिए। आज आपने माता पिता का पूजन किया तो आज ही दिन करना चाहिए या नहीं? आज के दिन ही हमेशा का बात, हमेशा हम लोग को करना चाहिए। ये कार्यक्रम से क्या क्या सीख मिलता है? ये सीख मिलती है कि जैसे कि हम लोग को अपने माता पिता की आदर सम्मान करना चाहिए अपने माता पिता का। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के दबंगई दिखाने का मामला सामने आया है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के ही सामने ही पार्क में जाकर प्रेमी प्रेमिकाओं को पकड़ते हुए नजर आए हैं। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता रोहन सक्सेना ने अपने दर्जनों साथियों के साथ पार्कों में छापामार कार्रवाई कर प्रेमी और प्रेमिकाओं को अपमानित किया है। वहीं ये पूरा मामला आपको बता दें कि थाना मझोला इलाके के हर्बल पार्क का बताया जा रहा है। उन्नाव में ही सपा डेलीगेशन को उन्नाव पुलिस ने रोकते नजर आई है। दरअसल पुलिस भद्रका चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर काफिले को रोकते नजर आई है, और जिसके बाद ही काफिले रोके जाने से नाराज सपा विधायक मनोज पांडे धरने पर बैठ गए। जालौन में मां बेटी की झोपड़ी के अंदर जलकर मौत होने के चलते समाजवादी पार्टी द्वारा गठित की गई जांच कमेटी के सदस्य और कालपी से ही समाजवादी पार्टी के ही विधायक पीड़ित परिवार से मुलाकात और जांच करने के लिए जब कालपी यमुना पुल पर पहुंचे तो वहां पर तैनात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कार्यालय में नजरबंद कर दिया है। और इसके बाद उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और आपको बताते चले कि कल यूपी के ही कानपुर देहात के मेथा तहसील के मंडोली गांव में ही हुई घटना से मां बेटी को प्रशासन के सामने जिंदा जलकर मौत हो गई थी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हरदोई में ही सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत होने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अमेठी में दो फाड़ में ही सपा बढ़ती नजर आ रही है। वहीं सपा कार्यकर्ता का कहना है कि नेता आकार रामचरितमानस को ही गाली देंगे तो हम सनातनी समाजवादी पार्टी कैसे करेंगे बर्दाश्त। इसको लेकर उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता मानने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। डॉक्टर लोहिया जी सनातनी समाजवादी थे। लोहिया जी रामचरित मानस रामायण के आदर्शों नीतियों पर चलने वाले महापुरुष थे। संत तुलसीदास जी को हमेशा अपना जो है रक्षक का भी मान कर चलते थे। हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी तो डॉक्टर लोहिया जी के ही नीतियों और आदर्शों पर चलकर की थी। जो है डॉक्टर लोहिया जी हमेशा रामचरितमानस और रामायण का सम्मान करते थे। रामायण मेला डॉक्टर लोहिया जी की ही संकल्पना है जो आज रामायण मेला लगता है। कई ऐसे बड़बोलेपन नेता दूसरे पार्टी से आके जो है रामचरितमानस रामायण को गाली देंगे तो हम सनातनी समाजवादी कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम लोग लोहिया जी के आदर्शों नीतियों पर चलने वाले समाजवादी हैं। आगरा के एतमाद दौला थाना इलाके की महिला ने पति से जिद करके स्मार्टफोन खरीदा और इसके बाद एक ऐप से जुड़कर सोशल मीडिया फ्रेंड बना लिए, और पति को पता चला तो उसने मोबाइल तोड़ दिया। और मगर महिला तब भी नहीं मानी और अपने दोस्त के पास चली गई। पति ने पुलिस से शिकायत की। आपको बता दें कि महिला की शादी को 15 साल हो गए हैं, उनके दो बच्चे भी हैं, और पति ने पुलिस को बताया है कि पत्नी ने जिद करके स्मार्टफोन खरीदा था और इसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बना ली, ऑनलाइन उसके दोस्त बन गए।
चले रुक करते अगली खबर की ओर। सहारनपुर में गंगोह कोतवाली अंतर्गत गणेश चौक पर ही सादी वर्दी में ही पहुंचे पुलिसकर्मी का खानपुर गुज्जर निवासी जावेद से गाड़ी मांगने और नहीं देने पर दबंगई दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार फिर से पुलिस की छवि को धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। पीड़ित जावेद ने थाने में तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। खानपुर निवासी जावेद का गणेश चौक पर ही अलमारी मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना है, जहां पर शाम के समय ही सादी वर्दी में ही एक पुलिसकर्मी पहुंचता है और रोब गालिब करते हुए ही गाड़ी की चाबी मांगता है। दुकानदार के द्वारा चाबी देने से मना करने पर हाथापाई करता है और उसे किसी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देता है। वायरल वीडियो के संबंध में कोतवाली प्रभारी जसवीर सिंह ने ही जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहा सिपाही 2 वर्ष पूर्व यहाँ तैनात था, अब ये सहारनपुर GRP थाने में तैनात है। कोतवाल का कहना है कि GRP में तैनाती के बाद भी उक्त पुलिसकर्मी गंगोह थाने में आवंटित क्वार्टर को ही कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी खाली नहीं कर रहा है। श्रावस्ती में अज्ञात युवक का सरयू नहर में शव मिला है। दरअसल राहगीरों को सरयू नहर में ही तैरता हुआ युवती का शव दिखाई दिया है, जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है। बताते चले कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं ये पूरा मामला आपको बता दें कि थाना क्षेत्र गिलोला अंतर्गत हरिहरपुर तिकोनी मोड़ के पास में मौजूद सरयू नहर का बताया जा रहा है। तो श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताते चले आपको कि अज्ञात युवती का सरयू नहर में ये शव बरामद किया गया है। श्रावस्ती में ही अज्ञात युवती का सरयू जो है नहर में ही शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बताते चले आपको कि राहगीरों को सरयू नहर में तैरता हुआ युवती का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद लोगों ने मामले की जो जानकारी है वो पुलिस को दी थी। और वहीं पुलिस ने शव को अब कब्जे में ले लिया है और जिसके बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और ये पूरा मामला बता दें आपको कि थाना क्षेत्र के गिलोला अंतर्गत हरिहरपुर तिकोनी मोड़ के पास में मौजूद सरयू नहर का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।